चिकन सालन जो आप दावत में भी रख सकते हैं, और आपके अगर घर में कोई गेस्ट आए, फटाफट झटपट बनने वाली डिश है ये, और इसको बनाएं, ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें, कमेंट्स करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये रेसिपी ऐसी है कि 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है, क्योंकि ये चिकन का सालन है, और अगर आपके कोई मेहमान आए तो आप ये सर्व कर सकते हैं। कोई अचानक आ जाए और कोई कॉल नहीं करके आते बाज़ वक़्त मेहमान, तो आप आराम से ये डिश बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ये डिश तैयार हो जाती है और सबको बहुत मज़े की लगती है ये डिश। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमारे पास प्याज है, यहाँ हमारे पास अदरक लहसुन है, और ये ज़ीरा, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, और ये हल्दी, और ये नमक। ये मैंने टमाटर लिए हैं, आधा किलो चिकन के साथ हम टमाटर लेंगे 4 से 5, और ये आलू, ताकि अगर उनके साथ बच्चे हैं तो आलू भी शौक से खा सकते हैं। और ये हमारी चिकन है 1/2 kg, देख लीजिए, ये 1/2 kg की रेसिपी है। और यहाँ मैंने अपना ऑयल गरम पर रख दिया, ये देखें बहुत अच्छे से ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल हमने लिया है 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ओके व्यूज, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से गरम कर लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे ऑनियन पीस, थोड़ी सी प्याज ये बच गई थी इसलिए मैंने एंड में डाल दी है जो कम लग रही थी। अब देखिए, ये मैंने 4 अदद प्याज लिए है और 6 अदद मैंने टमाटर लिए। इसको हम बिल्कुल सॉफ्ट हल्की सी ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और हल्की सी ब्राउन कर लेंगे। साथ साथ मैंने गरम मसाला ऐसे लिए, थोड़ा सा जीरा और यहाँ पर अदरक लगते हैं, इस तरीके से इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया था, इसको चॉप चॉप कर लिया था, फिर इसको इस तरीके और बिल्कुल ताज़ा अभी मैंने इसको चॉप किया। अब इसको ब्राउन करेंगे प्याज। ओके व्यूज, ये देखें बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज, ये देखिए ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, वन बाय वन से हम अपनी स्पाइस करेंगे, वन टेबल स्पून, ये 1/2 टेबल स्पून के बराबर है, इसलिए मैं आपको 1 टेबल स्पून देती हूँ, 1/2 टेबल स्पून होंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे, टमाटर और प्याज को एक जान कर लेंगे। इसमें मसाला हमारा रेडी हो चुका है, देखें हम इसको भूनेंगे और इसमें अब हम एक एक करके अपने चिकन ऐड कर देंगे। मैं 1/2 kg चिकन ली थी, चिकन को भूनेंगे अच्छी तरीके से, बहुत ईजी रेसिपी है, ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। बस ये 5 मिनट ही चाहिए और स्टार्ट कर दें। मसाला हमने भून लिया था,
डालनी है फिर। कुछ हरी मिर्ची हम ऐड कर रहे हैं। रेडी हो गया है ये हमारा, चिकन भी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं देखो, और ये चिकन आलू दोनों गल चुके हैं हमारे। बहुत ज़बरदस्त चिकन लग रहा है, ये खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी, ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी को। अब मैं इसकी सर्विंग करूँगी। ओके व्यूज, ये रेडी हो गया और हमने इसकी सर्विंग कर दी। इसको आप सैलेड के साथ लें, जैसा आपका दिल हो से लें। इसको चपाती के साथ भी ले सकते हैं और इसको राइस के साथ भी।